राहों में हमसे टकराएगा जो हट जाएगा वो घबरा के। अब हमारे साथ मौजूद हैं नाक कान गले की डॉक्टर अनीता भोड़े। इनसे जानेंगे कि इन्हें क्या और किस तरीके की परेशानियां रहती है जीवन में, और ये यहाँ जो अभी युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपको 8 मार्च महिला दिन की शुभकामनाएं। आपके जीवन में क्या घटनाएं कुछ ऐसी घटी नेगेटिव जिसकी वजह से आपके अंदर शायद पॉजिटिव एनर्जीज आई हो, तो पहला बचपन और शादी के पहले का जीवन आपका कैसा था? शादी का पहला का जीवन तो बहुत ही अच्छा था मेरा। मेरे पिताजी, मेरे नाना नानी जी वो टीचर्स थे, इसलिए उन्होंने काफ़ी बहुत अच्छे तरह से, उनको शिक्षण का बहुत, पढ़ने का बहुत इम्पोर्टेंस था, तो उन्होंने कभी ऐसे कहा नहीं कि आप लड़की हो तो पढ़ाई मत करो। जहाँ कई लड़कों के बराबर से जब टीचर्स भी थे उस वक्त, मुझे ऐसे मिले लकीली कि लड़कों के बराबर ही से सिखाया, शायद इसीलिए मैं आज तक यहाँ पर पहुँची हूँ। निगेटिविटी अभी तक भी नहीं है, लेकिन जी हाँ ज़रूर, इंडिया का समाज अभी तक बदला नहीं है। शादी होने के बाद कहीं ना कहीं आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है महिलाओं के प्रति की, जो वो टाल नहीं सकती, उन्होंने वो निभानी ही है, और एक तरफ से वो जायज़ भी है। जब पहले महिलाएं काम नहीं, बाहर जाके काम नहीं करती थी, घर का संभालती थी, तो एक तरफ से समाज बैलेंस था। अब जैसे महिलाएं बाहर निकली हैं, पुरुष भी बाहर निकले हैं, तो घर की तरफ अगले जनरेशन पे असर होता है, और जो घर का बेसिक क्रक्स रहता है कि जो सब फैमिली मेंबर्स को जोड़े रखे, उसमें कहीं कमियां आती हैं। शायद इसलिए हमारे जनरेशन में औरतें एक स्टेप पीछे हो जाती है करियर के बारे में। वो कहीं ना कहीं मैंने भी किया है, लेकिन फॉर्चुनेटली माय हस्बैंड इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी सपोर्टिव, तो इतना मुझे तकलीफ नहीं हुई है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी इस जनरेशन को कि आप करियर करना है, आपको फैमिली भी मेंटेन करनी है, तो आप ऐसे करियर चुनिए कि आपको शायद 24 आवर्स ना देना पड़े, कि आप बैलेंस करके रखें। मैडम, अभी महिला दिन है, तो आज आप तक के जरिए आपने कुछ अच्छी चीज़ें बताई महिलाओं को जनरेशन में किस तरीके से क्या करना। गला खराब होता है जनरली लोगों का, तो घरेलू क्या उपचार करने चाहिए उनको? घरेलू उपचार में तो जैसे ही सीजन चेंज होता है, मानो ठंडी के दिनों से गर्मी के दिन का शुरू हो जाता है, वो ट्रांजिशन फेज जो रहता है हर सीजन का, उस वक्त आप ठंडा और खट्टा नहीं खाना है आपको, जो भी खाएंगे हेल्दी फूड खाना है आपको, फ्रूट्स लेने चाहिए हर बार, और बाहर की स्पेशली तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, तो आपको गले की प्रॉब्लम कम होगी। मैडम, आप तक से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों की ओर से आप तक आपको फिर से इंडिया आप तक समाचार, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक।